शहर सहित जिले में आज से शराब की दुकानों पर शराब प्रेमियों को शराब की बोतल खरीदने पर बिल भी मिलेगा। अब ग्राहकों को शराब के अधिक मूल्य में दुकानदार वसूल नहीं कर पाएंगे। शराब प्रेमियों को भी सभी दुकानों से एक ही मूल्य पर शराब की बोतल मिलेगी। शहर सहित जिले की सभी शासकीय शराब की दुकान पर आबकारी विभाग ने सील लगी हुई बिल बुक उपलब्ध कराई। इधर अगर कोई भी शराब दुकानदार ग्राहक को शराब की बोतल लेने पर बिल नहीं देता है तो आबकारी विभाग लाइसेंस दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। इधर देखने को मिला है कि शराब की दुकानों पर शराब की बोतल लेने आया ग्राहक शिक्षित नहीं तो दुकान संचालक से बिल पर क्या लिखा है यह पूछता हुआ भी देखने को मिला है। शराब प्रेमियों को बिल से यह फायदा होगा कि शराब के ब्रांड के साथ शराब की बोतल की कीमत भी अंकित होगी। अब दुकानदार शराब की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक नहीं ले पाएगा। साथ ही सभी दुकान पर ग्राहकों को एक जैसे रेट भी मिलेंगे। साथ ही जहरीली शराब और अवैध शराब की पहचान भी होगी। अवैध शराब बेचने वाले ग्राहकों को बिल नहीं दे पाएगा और उसके खिलाफ आसानी से कार्रवाई होगी। बिल लेने से शराब प्रेमियों को यह फायदा होगा कि शराब पीने के बाद ग्राहक को कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार दुकान का संचालक होगा और आबकारी विभाग उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेगा। इधर शराब दुकान के संचालक को बिल देने के चलते स्टाफ भी अलग से रखना होगा। इधर ग्राहक भी बिल लेने से मना करने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद की स्थिति भी निर्मित होगी। क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र भैया कहाँ पर आए भी आए आप? दारू पीने। दारू क्या है आज से जो बिल मिला है आपको? दारू से बिल दिया है इनने? हाँ जी अभी। अब इससे बिल से क्या होगा, क्या लगता है आपको बिल से क्या फायदे हैं? फायदे ये कि जिंदगी अगर कहीं दूसरी जगह पे जाके ये अगर यहाँ का बिल रहेगा आपके पास तो बच जाओगे, है ना? ठीक। और रेट वेट में कम ज्यादा तो नहीं है? कोई ज्यादा नहीं है। मतलब बिल इसलिए मिला है कि रेट में कहीं कम ज्यादा नहीं हो? ठीक। खुश हो आप बिल से? क्या नाम है आपका? आत्माराम जी नाम है भैया। आत्माराम भैया अभी आप किस दुकान पे आपने क्या खरीदा? दारू खरीदी, बिल दिया भैया। बिल इससे पहले आज तक आपको मिला? उससे पहले मांगा ही नहीं, आज ही लिया है ना। आज से बिल मिला तो क्या लगता है आपको बिल से क्या फायदा है? बहुत फायदा है ना साहब, उससे फायदा ये है कुछ भी अगर अपन गए कुछ हो गई तो दारू कलाली से भी अपन कलाली कंपनी का माल है, कुछ भी अगर हो जाए आपने तो उसमें फायदा तो है। कभी बिल से लिया आपने दारू पी थी, कैसा लग रहा बिल लेके? बहुत बढ़िया लग रहा, बहुत बढ़िया संतुष्टि मिली आपने। लीकर से लीकर ट्रेड में हम लोग कॉन्ट्रेक्टर हैं। अच्छा, कितनी दुकानें हैं आपकी? हमारी तीन दुकान है उत्तर नगर ग्रुप, जिसमें एक इंग्लिश है, दो देसी है जी। मैं उज्जैन रोड दुकान पर बैठा हूँ, अभिनव टॉकीज के सामने वाली। माननीय मध्य प्रदेश शासन द्वारा एवं आबकारी विभाग द्वारा, देवास आबकारी विभाग द्वारा भी हमें आदेश प्राप्त हुआ है कि बिना बिल के हमें ग्राहक को शराब का विक्रय नहीं करना है। उनके आदेश प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने खुद बिल बुक बनवाई है एवं ये बिल बुक हमने आबकारी विभाग देवास में उनके समक्ष प्रस्तुत की। उनके आदेश प्राप्त होने के बाद उन्होंने हमें ऑथोराइज करा, उसके बाद हम यहाँ सर बिल साइन करने के बाद ही ग्राहक को शराब का विक्रय कर रहे हैं। नुकसान फायदे की क्या बात करें, लेकिन पहले हम लोगों का काम एक आदमी के थ्रू हो जाता था, लेकिन अब हमें दो दो व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ रही है तो स्टाफ भी बढ़ चुका है। इसमें ना फायदा है ना नुकसान है, शासन द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है तो उनका आदेश का हम का सम्मान जो भी है हम करेंगे बिल्कुल। ग्राहक को इस बिल से क्या फायदा मिलेगा? ग्राहक को इस बिल से ये फायदा मिलेगा कि जो एक तो दारू जो बिक रही है वो उन्हें उचित मूल्य पर मिलेगी, इसके अलावा जो बाहर माल ब्लैकरी का हो रहा है उस पर रोक लगेगी, वो ग्राहक को बिल मिलेगा तो वो संतुष्ट होगा। आप अलग अलग ब्रांड के अलग अलग बिल देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग बिल, यानी मैनुअली हम ये इसे ही करेंगे, बिल बुक से जो है बिल उसके थ्रू हम करेंगे, और अलग अलग ब्रांड के तो अलग अलग बिल ही बनेंगे। और अगर ग्राहक बिल लेने से मना करता है तो उस कंडीशन में आप क्या? नहीं नहीं, अगर मना भी करते हैं तो हमें उनको देना है बिल, बिल तो अगर वो मना भी करते तो हम उनको देंगे जरूर। मैं राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, सहायक जिला अधिकारी जिला देवास। आज दिनांक से शासन के आदेश अनुसार सभी देसी विदेशी मदिरा दुकानों से मदिरा का विक्रय बिल के द्वारा ही हो रहा किया जा रहा है, और सभी ग्राहकों से भी और सभी आम जनता से अनुरोध है कि कोई भी मदिरा देसी हो या विदेशी हो और मदिरा दुकान से खरीदते हैं तो बिल अवश्य लें। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।